अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को क्वेश्चन 2 एंड 3 करेंगे। कल हम लोगों ने फर्स्ट किया था, आज हम सेकंड एंड थर्ड करेंगे। वैसे तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस भी बिल्कुल 2.5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी तरह भी, और ये देखें जी जो 2.4 के सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसका यही मेथड है, लेकिन लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज है और इसलिए मैं आपको फिर भी ये करवा रही हूँ, ठीक है। इसमें जो यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब यह फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टेब्लिश द फार्मूला, ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये सम ऑफ रूट्स, एस फॉर सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह एस लगा दिया, एक्स फिर आ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पी, ठीक है। पी किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, और जो एस डिनोट कर रहा है वो सम ऑफ रूट्स को है। तो उसका जब आंसर पूरा हम सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल 2.4 के क्वेश्चंस की तरह, 2.5 के जो बाकी क्वेश्चन है उसकी तरह, उसके करने के बाद इस वाले में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 2.5 का जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लिखेंगे, सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये क्वेश्चन में दी हुई है ऊपर, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर हम उसी तरह ए बी सी हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है ना। ए इज इक्वल्स टू वन, ये ए है, और बी इज इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, माइनस थ्री। माइनस थ्री क्यों लिखा, क्योंकि माइनस वैल्यू है। सी इज इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, अब तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद हो गया होगा, ठीक है ना, माइनस बी ओवर ए। इसी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बी हमारे पास माइनस थ्री था माइनस फार्मूले का, और ब्रैकेट में माइनस थ्री बी की वैल्यू, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास है वन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस हो गया, थ्री बाय वन हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, थ्री को वन के साथ डिवाइड किया तो थ्री आंसर आ गया। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी बाय ए के। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी हमारे पास है सिक्स, सिक्स बाय वन, तो अल्फा बीटा सिक्स को वन के साथ डिवाइड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब जो है उन्होंने जो क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, क्या रूट्स थे, टू अल्फा प्लस वन था और टू बीटा प्लस वन था। यहाँ तक समझ आ गया, तो सम ऑफ रूट्स हम करेंगे, और उसी तरह है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टू, रूट्स टू अल्फा और ये है ना टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, ठीक है। तो टू अल्फा भी ब्रैकेट्स ओपन होगी प्लस वन प्लस ये ब्रैकेट थी ना प्लस टू बीटा प्लस वन, अब टू अल्फा प्लस टू बीटा, वन और वन कितना हो गया टू। यहाँ तक समझ आ गए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, टू कॉमन है, तो अंदर अल्फा प्लस बीटा रह गया प्लस टू एज इट इज़, ठीक है। अब टू अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू हमने जो की थी वो हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की थ्री, ठीक है। अभी हमने जिसको जिस तरीके से सॉल्व किया प्लस टू एज इट इज़, टू थ्री जार सिक्स प्लस टू, सिक्स और टू कितना हो गया एट, ये तो हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है एट आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वही वैल्यू टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन। अब प्रोडक्ट मीन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये इसके हमने मल्टीप्लीकेशन लिख ली। अब उसी तरीके से 4 अल्फा बीटा प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा रह गया प्लस 1 एज इट इज़। अब 4 अल्फा बीटा की जगह स्टूडेंट्स अभी जो हमने सॉल्व की थी, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 6 आ गई, प्लस 2 अल्फा बीटा की हमने जो यहाँ पुट की थी और जो हमारे पास आई थी वो 3 थी, प्लस 1, 4 6 आर 24, प्लस 2 3 आर 6, प्लस 1 24 और 6 30 हो गया, प्लस 1 31। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 31। तो वो जो इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके भी स्टार्ट में बताई थी वो क्या है, 10 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, हमारे पास यही थी ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि हमारे पास नहीं है तो एक्स स्क्वायर हमने लगा दिया, माइनस एस, एस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, 8 था, 8 और एक्स एज इट इज़, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास था 31, तो 31 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो हम फिर एंड में क्या लिखेंगे, 10 टू अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उनका यही मेथड है, इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे, हम क्योंकि हम इसको इसी तरीके से करना है और आप लोगों से इजीली हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 2.4 में भी ये वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं और 2.3 में भी। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम इक्वेशंस हुज रूट्स आर एक्स स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा वो रूट्स हैं इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के, और तो हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, अब हमने इक्वेशन बनानी है इसकी भी जिन जो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। अब हम इसको किस तरह करेंगे, वही तरीका, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, अब इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो लेट ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए वाला, इसमें ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पी, और सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर है, ठीक है, माइनस बी हमारे पास है माइनस पी ओवर ए हमारे पास है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पी, माइनस पी को 1 के साथ डिवाइड करेंगे माइनस पी आ जाएगा। अब है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है हमारे पास सी ओवर ए के, अल्फा और बीटा हमने यहाँ लिखा, सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो स्टूडेंट्स तो क्यू को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे वो क्यू आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 10 द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा स्क्वायर, क्या रूट्स थे, और बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब सम ऑफ रूट्स हम इसके ऊपर करेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स ये किस तरह आया, हमने ए प्लस बी होल के स्क्वायर वाले फार्मूले को रीअरेंज किया है, उसको रीअरेंज, जैसे आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज में कराया था, रीअरेंज क्यों किया है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, बाकी ये चीज़ बची थी, क्योंकि जो ए स्क्वायर प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही होता है ना। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास था, तो हमने ए प्लस बी होल का स्क्वायर वहाँ प्लस था, तो यहाँ के ये माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह ही हमने रीअरेंज कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस पी है, माइनस 2 अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्यू, माइनस पी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरीके से हम सम ऑफ करेंगे और
सम तो हमने ले लिया, अब हम करेंगे प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या है, p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो होल का हम ले सकते हैं ना इस तरह, अल्फा बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की q है हमारे पास, q का स्क्वायर ओपन करेंगे तो q हो जाएगा, तो p हमारे q स्क्वायर हो जाएगा, p की हमारे पास वैल्यू आ गई q स्क्वायर, तो 10 द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास सम, एस मीन्स सम, सम अभी हमने क्या निकाला था, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स और प्लस पी हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, दस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास क्या है यही वाली जो अभी हमने लिखी है, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो बाकी क्वेश्चन है ये वाला भी और बाकी जो पार्ट्स हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के वो आप लोग खुद करके देखिएगा, क्योंकि वही मेथड है जो हम लोग पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और इस वाली एक्सरसाइज में भी ये सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद करके देखिएगा।